उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जितना नजदीक आते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों को लुभाने की कोशिश कर दी है। अपना दल और निषाद पार्टी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की सुलह देव भारतीय समाज पार्टी पर डोरे डाल रही थी, लेकिन राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कहा, भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको इसके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तो इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनना था तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया, एक भी काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं किया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा, यूपी में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली बीजेपी किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी। इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो भी यूपी में भाजपा को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।